गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को हम क्या पढ़ाने वाले हैं? क्लास फोर्थ मैथमेटिक्स। ठीक, चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर आपका चल रहा है फर्स्ट। ठीक, फर्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज कौन सी चल रही है? एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है 1.4 का, वो क्वेश्चन आपका क्या है? राइट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट्स नंबर दैट कैन बी द मेड आउट ऑफ द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स। यानी आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटी संख्या, यानी चार अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है, और चार अंकों की क्या करना है आपको, सबसे बड़ी संख्या बतानी है। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर क्या हो, रिपीट ना हो, मतलब दोबारा उसको हमें नहीं लिखना है। ठीक है, तो जैसे जो नंबर दे रखी हैं उसी में हमको लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले हम इस ये नंबर्स में देखिए कॉमा लगाए हुए हैं, तो इन नंबर्स में हम पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे। कौन सा नंबर लिखेंगे? स्मॉलेस्ट। ओके, तो स्मॉलेस्ट नंबर फोर डिजिट की क्या होगी? स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगी? तो स्मॉलेस्ट नंबर सबसे छोटा डिजिट कौन सा है इसमें? वन। तो इसको हम पहले लिखेंगे, ठीक, कॉमा नहीं लगाएंगे, सॉरी। देन इसके बाद में जो है कौन सा छोटी डिजिट है? थ्री। देन इसके बाद में सिक्स, और इसके बाद में सेवन। ठीक, तो ये जो हमारी हो गई, ये फोर डिजिट्स की स्मॉलेस्ट नंबर हो गई, जो गिवन डिजिट्स हैं। जो डिजिट्स क्या हैं? गिवन है, यानी जो दी हुई है। ठीक, उन्हीं में से लिखना, अपने मन से कोई भी फोर स्मॉलेस्ट डिजिट नहीं लिखना है। ओके, देन इसके बाद आते हैं ग्रेटेस्ट डिजिट। ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर में कौन सा आएगा? तो ग्रेटेस्ट नंबर में सबसे बड़ी, चार अंकों की जो डिजिट्स दे रखी है इसी में चार अंकों की सबसे बड़ी डिजिट, तो सबसे बड़ी लग कौन सा लिखेंगे? सेवन। जस्ट या तो इसको क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, सेवन, देन इसके बाद में सिक्स, देन इसके बाद में थ्री, देन इसके बाद में वन। ओके, तो ये हो गई हमारी स्मॉलेस्ट नंबर 1367, और ये ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 7631। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इस वाले सेकेंड वाले क्वेश्चन में भी हमको सेम वही काम करना है। ठीक, तो इसमें भी हम वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट डिजिट, क्या लिखेंगे? सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर में देखिए जरा, सबसे छोटा कौन सा होगा? तो ये होगा आपका टू। फिर इसके बाद कौन सा आएगा? टू के बाद कौन सा आएगा? फाइव, फाइव लिखिए। फाइव के बाद कौन सा आएगा? सेवन, सेवन लिखिए। सेवन के बाद एट। ओके, तो ये हो गई हमारी स्मॉलेस्ट नंबर। अच्छा, अब ग्रेटेस्ट नंबर की बात करते हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर में, ग्रेटेस्ट एंड फॉर यहाँ पे नंबर है, ठीक, ग्रेटेस्ट एंड फॉर नंबर। अब देखिए इसमें ग्रेटेस्ट में क्या लिखेंगे? सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? एट। देन इसके बाद में कौन सा आएगा? सेवन। इसके बाद में फाइव, और इसके बाद में टू। ठीक, तो ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन भी मे बी सेम टू सेम इसी के जैसा क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक, जो कि सेकेंड क्वेश्चन आपका दे रखा है उसमें हम चलते हैं। बस फर्क क्या होगा, आपका डिजिट्स की जो प्रॉब्लम्स होगी वो हो सकता है ज़्यादा या कम हो सके, बाकी और सारी की सारी कंडीशंस क्या रहेंगी विल बी द सेम। जैसे सेकेंड क्वेश्चन है, तो सेकेंड क्वेश्चन में भी क्या है आपका? फाइव डिजिट नंबर है, क्या है? बी। अब इसमें फाइव डिजिट नंबर बताना है आपको, फाइव डिजिट नंबर। अच्छा, क्वेश्चन कौन सा होगा? क्वेश्चन देखते हैं, पहला वाला सिक्स कॉमा सेवन कॉमा टू कॉमा एट कॉमा फोर, एक ये नंबर दे रखा है। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें क्या है, सेकेंड वाला भी चेक करते हैं। वन कॉमा सिक्स कॉमा एट कॉमा फाइव कॉमा थ्री। अब इसमें क्या है? फाइव डिजिट्स, देखो ऊपर क्या लिखा हुआ, फाइव डिजिट नंबर। काम वही सेम टू सेम करना है, कौन सा? स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर, इसमें भी दोनों में बताना। तो स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट, हेलो, हाँ स्टूडेंट,
देखिए हम कहाँ पे थे, ये हम बताने वाले थे स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर में जैसे कि आपको 5 डिजिट्स की नंबर निकालनी, कितने डिजिट्स की नंबर निकालनी, 5 डिजिट्स की। तो 5 डिजिट्स की नंबर निकालने के लिए क्या करना है, स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा देखेंगे कौन सा है, 2। देन इसके बाद में कौन सा है इसमें, 4। ओके 4 लिखेंगे। इसके बाद में क्या आएंगे, 6, और इसके बाद में 7, फिर 8। ओके तो ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गए। अच्छा ग्रेटेस्ट में लिखना है, तो ग्रेटेस्ट में हम कौन सा लिखेंगे, ग्रेटेस्ट में हम इससे बड़ा वाला लिखेंगे। बड़ा इसका जस्ट चाहो तो इसको क्या कर दो, क्योंकि डिजिट सेम टू सेम है, स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट निकालने के लिए तो इसको हम पलट सकते हैं। तो पहला हो जाएगा 8, फिर 7, 6, 4 एंड दिस 2। सेम इसमें भी वही काम करना है, इसमें भी क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट 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 नंबर और फिर ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर ओके, तो इसमें भी वही काम करना है हमको। देखेंगे स्मॉलेस्ट मतलब छोटा कौन सा होगा, तो सबसे पहले जो छोटी डिजिट है वो 1, फिर 3, 3 के बाद में आएगा 5, और 5 के बाद में क्या है, 6, और 6 के बाद में 8। फिर इसके जस्ट अपोजिट यानी इसको क्या कर दीजिए, पलट दीजिए, तो ग्रेटेस्ट हो जाएगा 5 डिजिट्स का, 8, 6, 5, 3 एंड दिस 1। ओके तो इसी तरीके के चाहे 5 डिजिट्स का पूछे, चाहे 6 डिजिट्स का पूछे, और चाहे कितने डिजिट्स का पूछे, एनीथिंग, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने भी डिजिट्स का क्यों ना पूछे, बट डिजिट्स को ध्यान में रखते हुए कंटिन्यू करना है। थैंक यू।